बनाने के लिए माँ और बाप ने अपने बच्चे को बेचा। कहानी सुनेंगे तो कहेंगे इससे ज्यादा शर्मसार और कुछ भी नहीं। माँ की ममता से लेकर पिता की परवाह सब तार तार हो गया। इंस्टाग्राम रील्स का इतना दीवानगी कि रिश्ते की मर्यादा तक भूल गए। आईफोन खरीदने, रील्स, लाइक, कमेंट, फॉलोवर की ऐसी दीवानगी कि दुनिया के सबसे बड़े रिश्ते का गला घोट दिया और अपने बच्चे को ही बेच दिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, लाइक, कमेंट, फॉलोअर, ये सब इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है कि भावनाएं, संवेदनाएं, रिश्ते, लोक मर्यादा, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं सब कुछ गौण हो रही हैं। आए दिन ऐसी प्राय खबरें मिलती रहती हैं जो भविष्य के बड़े संकट को दिखा रही हैं। मशीनीकरण, बेरहम तकनीक के दौर में अभी मेटावर्स की आभासी दुनिया भी आने वाली है। शासन प्रशासन, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, धर्मगुरुओं को इस खतरे का संज्ञान लेना चाहिए। एकाकीपन से हटाकर किसी भी तरीके से सामुदायिक भाव बनाना चाहिए। जी हाँ, यह मामला पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का है। पुलिस ने बच्चे की मां, साथी और मासूम को खरीदने वाली महिला प्रियंका घोष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बच्चे का पिता जयदेव अभी भी फरार है। पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां कथित तौर पर एक कपल ने आईफोन खरीदने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। वे आईफोन इसलिए खरीदना चाहते थे ताकि इंस्टाग्राम रील्स बना सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का है। पुलिस ने बच्चे की मां, साथी और मासूम को खरीदने वाली महिला प्रियंका घोष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बच्चे का पिता जयदेव अभी भी फरार चल रहा है। अचानक पड़ोसियों को कपल के व्यवहार में काफी बदलाव नजर आता है। साथ ही वो नोटिस कर रहे थे कि उनका 8 महीने का बच्चा भी गायब है। शक होने पर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। दरअसल पड़ोसियों ने देखा कि जो कपल कल तक पैसों की तंगी से जूझ रहा था, अचानक उसके पास आईफोन कहां से आ गया। ये सब उनके बच्चे के लापता होने के साथ मेल खा रहा था। ऐसे में जब उन्होंने बात की तो बच्चे की मां ने कबूल लिया कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया है और पैसे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगहों पर जाकर इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया है कि पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को भी बेचने की कोशिश की। फिलहाल बंगाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गरीब माता पिता का पैसों के लिए बच्चों को बेचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आईफोन और इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए बच्चे को बेचना बताता है कि समाज कितना असंवेदनशील होता जा रहा है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचार करें। आज मिलकर यह समस्या सभी के लिए खड़ी हो रही है। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक जागरूकता समाज में फैल सके और अगर इस प्रकार की घटना है तो वो उजागर हो सके। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज़।